हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी भी आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है 9:39। बोलो नो 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 ओके तू ले ले मुझे चाहिए, मैं दलाली नहीं करता। तुझे चाहिए तुझे क्या चाहिए? 20,000 रुपए मन रिपोर्ट आने मन कर दो मन कर दो बाय बाय कर दो पार्टी से भी ना बाय बाय पार्टी दे दो एक मिनट से कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे तुम? चाय ला ले। घूमी 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 आ जाओ। ओके और हम सुबह सुबह निकल चुके हैं बच्चों को साथ लेकर के ही, और जा रहे हैं अपने काम से। और आज बच्चों को साथ ही लेकर के जाना पड़ा। और ये देखो मैडम, पूरी खुश हो रही थी गाड़ी में जाने के नाम से। ठंड इतनी ज़्यादा है, मैं इसके ये दो जोड़ी कपड़े लाई हूँ अभी ठंड के हिसाब से, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े हैं, इनमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। तो बस, और आज बस ये थोड़ा सा शुक्र था कि कोहरा नहीं था, वरना अभी तो आप देख ही रहे हो कि कितना कोहरा है। अभी हम हाईवे पर हैं, और ये मानिए कि मतलब आने जाने में तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि सड़कें इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी सड़कें हो गई हैं कि मतलब ये मानिए पता ही नहीं चलता सफ़र का। ऐसा लगता है कि अपने उसमें तो है ही नहीं, कौन बोल देगा कि मेरठ शहर से निकलते हुए इतना अच्छा जो है हाईवे बन गया है। और यही नहीं, जगह जगह मतलब सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया। तो बस अभी हम निकल ही चुके हैं, और ठंड भी हो रही थी। नाश्ता वगैरह करके घर से चले थे, पर पता नहीं क्यों घर से बाहर निकलते ही भूख लगनी इतनी तेज क्यों हो गई है, हो जाती है। किस किस को घर से बाहर निकल करके भूख लगती है बताइएगा ज़रूर। तो जी अभी बस जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं हम लोग ना। ये वही वाला हाईवे है जो मेरठ से दिल्ली के लिए हाईवे है, वो वाला हाईवे था ये। तो हम दिल्ली से जा रहे हैं, आज हमारा कोई काम है दिल्ली, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही यही वहीं पे हम जा रहे हैं। तो अभी हमें और भी बहुत सारी जगहों पर जाना है, देखते हैं कैसे होगा। बच्चों के साथ में बहुत मुश्किल होती है, उधर तो पाखी का स्कूल, उधर अनाया छोटी, और दूसरा सर्दी का मौसम है। तो सर्दी में नहीं बच्चों को लेकर के जाया जाता बिल्कुल भी। और पाखी का भी स्कूल है, देखो उसको भी नहीं छुड़वा सकती हूँ, और काम भी अपना वो किया है, तो बड़ी टेंशन रहती है सच में। काम छेड़ तो दिया है, बट मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के साथ में। हाँ, जो करता है उसी को पता रहता है, जो काम देखता है, बाकी तो कोई कुछ भी बोल दे उससे क्या ही वो होता है। और देखो, मेहनत करते हैं तो फल ज़रूर मिलता है। जब तक मेहनत करेंगे ही नहीं, तब तक आप किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रख सकते हो। और मैं सच में बताऊँ, मैं मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराती, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कितनी भी। अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये अपना छोटा सा बिजनेस जो है वो शुरू किया था, कि चलो अपना कुछ कर लेंगे जो करना चाहते हैं बच्चों के लिए, लाइफ में अच्छी लाइफ, उनको अच्छी स्टडी। सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई है, देखो पढ़ाई से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बच्चों को अच्छी खासी स्टडी मिल जाए और बस वही सब कुछ। और ये देखो हमारा रंधूमल को पूरी खुश है, बाहर है पूरी खुश है, पूरी खेलती है, फुल एंजॉय करती है। अभी हम वापस आ गए हैं, रात का टाइम हो गया है, ठंड लग रही थी तो अभी गाड़ी में जो CNG भरवा रहे थे, तो हमने सोचा तब तक एक एक कप जो है वो चाय ले लेते हैं। खाना पीने का मन नहीं करता मेरा ना, बाहर खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता मेरा, मन सिर्फ चाय ठंड है। और ये देखिए एक बहुत ही सुंदर सी वेलकम के लिए यहाँ पे ये स्टैचू लगाया हुआ था, और एक स्टैचू ये आ रहा हमारा भागा हुआ। तो ये देखो
पूरी मस्त रहती है, पूरी परेशान नहीं करती। वैसे जैसे अनाया है, बाहर जाके परेशान नहीं करती। घर आते ही तुरंत मैंने क्या किया, चाय चढ़ाई मूली कद्दूकस की और शुरू कर दिए पराठे बनाना, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। तो और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, तो मूली रखी हुई थी दो, और बहुत आसान और झटपट से बनने वाले, मतलब ना बॉईल करना और ना कुछ करना, बस कद्दूकस किया, उसमें जो है वो थोड़ा सा नमक रला के मैंने रख दिया। तभी फटाफट इनको जो है चाय और पराठे में बना करके दे दूँगी, तो हमारा खाना पीना हो जाएगा। और मैं आते ही तुरंत लगी, एकदम बैठी नहीं, तुरंत चाय हाथ वगैरह धुल के चाय चढ़ाई, आटा लगाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी। और अभी टाइम सुबह का ही हो रहा है, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, और 10:30 बजे तक अभी मेरा सारा काम वगैरह सब फिनिश हो गया है। मैं नहा के आई हूँ और अभी बाल वाल कंघी करूँगी। बच्चे भी नहा चुके हैं, पाखी की वैसे तो स्कूल की छुट्टी है बट वो गई है ट्यूशन, और यहाँ पे अनाया भी नहा करके बैठी है। सॉक्स निकालने का चल रहा है इसका प्रोसेस, ये देखो सॉक्स निकाल रही है, नहला के बैठाई थी। हीटर चलाती हूँ, हीटर के सामने ये बिल्कुल भी नहीं बैठती है लड़की, बिल्कुल भी हीटर के सामने नहीं बैठती। पता नहीं इसको क्या दिक्कत होती है, मतलब चिल्लाने लगती और सॉक्स निकाल दी। अभी नहला के बैठाया था, मुझे ये था कि नहा के थोड़ी देर सो जाएगी तो फिर मैं अपना और काम कर लूँगी। मैं नहा के आ गई हूँ, अभी सबसे पहले तो बाल कंघी करूँगी और थोड़ा सा अपना बिंदी वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद चाय और रोटी बनाऊंगी, फिर देखते हैं कि फिर क्या करना है। थोड़ी सी पैकिंग है, वो पैकिंग करूँगी। कपड़े भी धुल दिए थे मैंने, कपड़े ऊपर डाल के आ गई हूँ। धूप तो 2023 अपने साथ ही ले गया है, मतलब धूप नहीं है, हवा से ही निकल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। नहाते रोज है, कपड़े तो रोज ही निकलते, कपड़ों का कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन नहीं निकल। चलो सॉक्स पहनो पहले। दूसरी कहाँ सॉक्स उठा के लाओ, वो वाली जल्दी लाओ, लाओ जल्दी पहनो इसको भी। वो कहाँ गई, दूसरे वाली, दूसरी कैप लगाऊंगी, रुक जाओ एक मिनट। पहले इसको कैप लगा दूं, एक दूसरी छत पे फेंक दी। आओ जल्दी 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 जल्दी, देखो जाओ बच्चे, पोपी लाना। हाँ पोपी लाना, जाओ। मैं चाय ही रख देती हूँ तब तक बनने के लिए। आ जाओ, आओ जल्दी अभी ना, पहले इसके रोटी खा के और इसको सुला दूंगी, फिर बाल बाल भांगी बाद में, क्योंकि ये वैसे भी अभी मुझे कुछ नहीं करने देगी। वो लग गई चोट, गिर गई ना। आ जाओ, फोन कहा तुम्हारा, फोन खाना खाओगी, खाना आओ आओ जल्दी, मेरा बेटा तो खाना खाएगा। आ जाओ मेरे पास आओ, पहले इधर बैठाऊंगी, इधर इधर आओ जल्दी जल्दी आओ। और नाश्ता करते ही तुरंत आ गई अभी किचन में, तो किचन में जो है मैं अभी कर रही हूँ, यहाँ पे किचन साफ़ करूँगी, स्लैब साफ़ करूँगी और फिर जो है वो बर्तन साफ़ करूँगी। अपना ये काम भी ख़त्म हो गया है और टाइम से ही नाश्ता पानी हो गया है,
फिर उसके बाद जो है लेट ही हो गया था, देखती हूँ दोपहर को खाने में क्या ही बनेगा। और अभी जो भी बर्तन हुए हैं उनको भी साफ़ करके रख देती है। और अभी जैसे कि टैंक को भरा था तो थोड़ा सा ना नॉर्मल पानी था, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो इजीली जो है वो सारे बर्तन इसी में मैं साफ़ करके और रख दूँगी। तो जी भी सारे ही कपड़े देखो कितने सारे कपड़े हो रहे थे, तो ये मैंने सारे छत पे डाल दिए हैं। धूप तो नहीं निकल रही है, बस यही था कि चलो थोड़ी बहुत हवा ही निकल जाएगी तो सूख जाएंगे। कल फिर से डालने पड़ेंगे ये, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। और कम्फर्टर धोए थे मैंने दोनों ही, तो वो भी मैंने एक तो सूख गया है, एक मैंने यहाँ पर डाल दिए, दोनों टॉवल्स भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो बस हाँ, कपड़े अपना सूखते रहेंगे। और ये देखो, मैं आज यही चीज़ सोची थी कि कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, कहाँ मतलब इस तरीके की ना मुमटी जो है वो हमारी दिल्ली वाले घर की थी, इसी तरीके से मुमटी थी वहाँ पे जहाँ पे हम जो है जहाँ से मैंने फ्लॉगिंग शुरू की थी वहाँ की मुमटी थी ऐसी ही। तो ये यहाँ की ये देख के ना मुझे बिल्कुल वहीं की बिल्कुल याद आती है, इसी तरीके की बालकनी थी वहाँ पे। तो बस अभी जो है मैंने यहाँ पे भी बाहर झाड़ू लगा दिया है, थोड़ा बहुत जो भी कूड़ा हुआ वो साथ के साथ मैंने उठा दिया है। और बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो मैंने जो है तुलसी पे लाल कपड़ा उढ़ा रखा है, क्योंकि कवर करके रखना चाहिए वरना जो है तुलसी हमारी ख़राब हो जाएगी, मतलब कोहरे में सूख जाएगी। तो बस गेट बंद कर देते हैं क्योंकि ठंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। सारा ही काम ख़त्म हो गया है, बाल भी बहा लिए हैं मैंने, और अभी मैं बिंदी वगैरह लगा लूँ थोड़ा सा, मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी, फिर करनी है मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड बस। चलो जी हो गया, सोख सो डालूंगी पैरों में ना, अजीब से फटे फटे से हाथ पैर हो जाए। लोशन कितनी बार लगाओगे, घर का काम करोगे, लोशन कितनी ही देर रुकेगा, है ना। चलो फिर एक जोड़ी सोक्स देखती हूँ, भी मिल जाएगी तो। बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं, अरे हाय दिखाओ तो। ओहो ओहो, तुम तो बहुत बहुत अच्छी लग रही हो, लाइटर भी लगाया, दिखा दो। ओए होए,
हाय मैं शोन परी। हाय हाय नोजी तो बहुत अच्छी लग रही तुम्हारी। थकी कब? अब इतरा रही हो? आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भागो भागो देखो देखो। बंद करती करती सुबह से शाम तक। बेटा ये वाला गेट बंद करो, फेस वॉश अपना वहीं रख जहाँ मुंह धोलेगी, फिर भूल जाओ उससे धोना। तो गर्म हो जाएगा खाना भी जो है आज ना टाइम से बन रहा है, क्योंकि फिर लेट हो जाता है क्योंकि मुझे फिर पैकिंग वगैरह भी करनी है। तो अभी चाय पी के और बस फिर रोटी रोटी का रह जाएगा। तब तक ठंड में तो कुछ भी करने को मन नहीं करता। ये हीटर हमारा सच में बड़ा बढ़िया निकला है। ये कई साल हो गए जब ये हमने दिल्ली ही लिया था और तब से चल रहा है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो चलिए गाइस अभी मुझे लगता है कि ब्लॉग कंप्लीट हो गया होगा ये, और दो दिन से ब्लॉग चल रहा है तो अभी हम वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे अपनी साड़ी देनी थी तैयार होने के लिए, पर अभी नहीं गई है, उसकी ब्लाउज़ वगैरह सिलवानी है, सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो देखती हूँ कल, कल तो जाना पड़ेगा मार्केट। एक तो ठंड इतनी होती है कहीं जाने का मन नहीं करता, और फिर अनाया है तो कल देखती हूँ, क्योंकि फिर पाखी की छुट्टी नहीं रहेगी है ना। चल अभी वीडियो का एंड कर देते हैं, चाय पीते हैं। अभी छोटे छोटे से बाल है, सर पे शॉल वगैरह रखो ना तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। इतने सफ़ेद बाल हो रहे हैं मेरे ना, बहुत ही ज़्यादा, पर क्या मेहंदी वगैरह कैसे लगा ले इतनी ठंड में। कलर वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये रहता है कि फिर और ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं, मेहंदी तो नहीं लगाई जाएगी बिल्कुल भी। चलिए फिर गाइस अभी वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो व्लॉग, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और गुड नाइट।